गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, देखो करें स्टार्ट। चलो अभी पूरे बच्चे नहीं जुड़े। अच्छा, अपना टाइम शुरू हो गया तो धीरे धीरे बच्चे जुड़ रहे हैं। अच्छा ये किसकी आवाज आ रही है? पूजा स्वामी म्यूट हो। चलो शुरू करते हैं, धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। और सब सब क्या है, जैसे क्लास स्टार्ट हो 12:10 पे तुरंत जुड़ जाया करो, जैसे कि अपन क्लास स्टार्ट करते हैं, अपने पास टाइम बहुत कम रहता है। ठीक है, सब म्यूट रहेंगे। पूजा स्वामी म्यूट रहेंगे सब। देखो स्टार्ट करते हैं, अपन ने शुरू किया था मुगल शैली। मुगल शैली शुरू किया था और किसकी आवाज आ रही है? पूजा स्वामी। कौन है पूजा स्वामी? आप म्यूट हो जाइए बेटा, पूजा स्वामी म्यूट हो जाइए। सर हाँ सर, बुक के बारे में कुछ बताओ ना। क्या बुक के बारे में? बुक के बारे बुक में कौन सी है? हाँ सर, बुक कौन सी है, कौन सी नहीं है? अभी अभी बुक क्या है, ड्राइंग की एनसीईआरटी की बुक है, वो अभी मार्केट में नहीं आई है, जैसे ही आएगी मैं बता दूंगा। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रेगुलेटरी में रखना, क्योंकि अभी बुक तो आई नहीं है सर, मार्केट में। आप जो पढ़ा रहे हो वो कौन सी बुक है? क्या आप जो पढ़ा रहे हो वो कौन सी है फिर? मैं जो पढ़ा रहा हूँ कौन सी, वो एनसीईआरटी की है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में क्या है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये वाली बुक अभी मार्केट में नहीं आई है। ठीक है, मैं उसी बुक में से पढ़ा रहा हूँ, वो इंग्लिश मीडियम की बुक है और एनसीईआरटी की बुक है, हिंदी मीडियम की बुक अभी आई नहीं है। ठीक है, तो जैसे है कि मैं बता दूंगा, लेकिन ये पक्का है जो अपन पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, जो अपन पढ़ रहे हैं ना इस समय, वो सेम उसमें से मिलेगा। मतलब जो अपन मुगल चित्र शैली पढ़ रहे हैं, तो मुगल चित्र शैली जो आपकी एनसीईआरटी की बुक आएगी उसमें चैप्टर रहेगा, इसलिए दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा ना सोचें कि बुक है ही नहीं, ये पढ़ रहे हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने को मुगल चित्र शैली उसमें मिलेगा। ठीक है, मतलब जब भी आपके पास बुक आएगी तो आपको ये चैप्टर उसमें मिलेगा, और आपको ये चैप्टर उसमें दोबारा पढ़ने के लिए मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अपन पहले पढ़ चुके होंगे, बुक आएगी उससे पहले अपन चैप्टर पढ़ चुके होंगे, मुगल शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, ये सब शैलियां उसके अंदर आएंगी। ठीक है, तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, बुक आए चाहे ना आए, अपन जो पढ़ रहे हैं इसको आप पढ़ते रहना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये गारंटी है। सही है? ओके सर, वेरी गुड। हाँ, मुगल चित्र शैली, मुगल चित्र शैली में देखो, जो अपन ने मोस्ट मोस्ट बातें पढ़ी थी, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बार जल्दी से 5 मिनट में रिपीट करूंगा, सब सिर्फ ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अपन ने अब तक जो पढ़ा है ना उसको रिपीट करना है अपने को, एक बार भाई अपन ने क्या पढ़ा है।
तो देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, अपन ने शुरू में पढ़ा कि 15वीं शताब्दी में भारतीय चित्रकला में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। 15वीं शताब्दी में भारतीय चित्रकला में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया था। भारत में मुगलों का प्रवेश हुआ था 15वीं शताब्दी में। 1526 में पानीपत का युद्ध जीतकर बाबर भारत में आ चुका था, दिल्ली का शासक बन चुका था। ठीक है, इससे आगे अपन ने पढ़ा कि ईरानी शैली और राजस्थानी शैली के मिश्रण से जो शैली बनती वो शैली थी मुगल शैली। ठीक है, इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि रायकृष्ण दास ने कहा था कि मुगल शैली जो है, रायकृष्ण दास ने कहा था कि जो मुगल शैली है ये बाबर के आगमन से शुरू हुई थी और बाबर से हुमायूं, हुमायूं से अकबर, अकबर से जहांगीर, जहांगीर से शाहजहां तक चलती रही, लेकिन जैसे ही औरंगजेब का काल आया यह नष्ट हो चुकी थी। ये कहा था रायकृष्ण दास ने, सही है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि इसको अपन दरबारी कला भी कहते हैं, क्योंकि अलग अलग राजाओं के काल में अलग अलग चित्रकला पनपी, अलग अलग चित्र बने, जिससे कि इसको दरबारी कला भी कहा जाता है। अब तक मैंने जो बात बोली उसमें से तीन बात मोस्ट है। एक तो 15वीं शताब्दी में मुगल शैली का आगमन हुआ था, एक मुगल शैली किसे कहते हैं, एक दरबारी शैली किसे कहते हैं। इन तीनों का अब तक जो मैंने पांच लाइन बोली इनमें ये तीन क्वेश्चन बनते हैं। मुगल शैली का आगमन कब हुआ था, 15वीं शताब्दी में। किसके आगमन से हुआ, बाबर के आगमन से 1526 में। मुगल शैली किसे कहते हैं, ईरानी और राजस्थानी शैली के मिश्रण से जो शैली पनपी है उसे मुगल शैली कहते हैं। दरबारी अलग अलग राजाओं के काल में अलग अलग चित्र शैली पनपी, जिससे कि दरबारी शैली कहा जाता है। कोई समस्या यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक जना बोल सकता है, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। हाँ, आशा से नहीं बोलना ही था सर। हाँ, आपने नोट्स में ना स्वर्ण काल करवाया था, वो क्या है? स्वर्ण काल बताया था, वो कहाँ है? वेरी गुड, क्या है, क्या स्वर्ण काल बताया था मैंने नोट्स में? स्वर्ण काल सर आपने नोट्स में बताया था, लेकिन आपने ना क्लास में नहीं बताया। हाँ, तो स्वर्ण काल क्या है? हाँ, ये मिस्टेक हुई है, सॉरी। ये देखो, जहांगीर का जो काल था ये स्वर्ण काल, अपन ये इसलिए अभी इसलिए नहीं बताया मैंने, क्योंकि अपन बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर पे आते, तो जहांगीर में आने के बाद में अपन स्वर्णकाल बताते, क्योंकि अकबर तक तो कोई स्वर्णकाल नहीं चला था। तीन स्वर्णकाल, दो स्वर्णकाल थे इसमें, एक चित्रकला का, एक स्थापत्य कला का। चित्रकला का था जहांगीर के समय, जो अपन ने अभी तक पढ़ानी है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल था जो था शाहजहां के समय, जो भी अपन ने नहीं पढ़ा, इसलिए मैं नहीं बता पाया। जैसे ही जहांगीर आता मैं आपको स्वर्णकाल भी 100% बताता कि जहांगीर के समय कला का स्वर्णकाल था। ठीक है, तो अभी ये जहांगीर आएगा, हालांकि पहले बता दिया मैंने कि जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है, लेकिन जब जहांगीर पढ़ेंगे तो उसके अंदर ओपन और भी अच्छे से पढ़ेंगे इस डिटेल को, इसको। ठीक है, सही है अब तो? ओके सर। बाबर, इसके बाद में देखो, अपन ने 15वीं शताब्दी पढ़ ली, मुगल शैली पढ़ ली, दरबारी शैली पढ़ ली, और ये सब पढ़ा। उसके बाद में आता है डायरेक्ट बाबर। बाबर की बात आई, बाबर 1526 में आया था, 1530 में मर गया। बाबरनामा बना, बाबरनामा में, बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। इसमें एक सर्वश्रेष्ठ ईरानी चित्रकार का उल्लेख किया गया जिसका नाम था बीहजार, इसे पोरो का राफेल भी कहा जाता था। फिर आता है इसके बाद में हुमायूं। हुमायूं देखो, हुमायूं 1530 में आया, 1540 में वापस चला गया, 1555 में आया, 1556 में खत्म हो गया। ठीक है, जीवन इसका पूरा जीवन संघर्ष में ही रहा, पूरा जीवन संघर्ष से ही बीता रहा। और इसके बाद भी इसके, जब ये ईरान से वापस आया था तो बालक अकबर को चित्रकारी सिखाने के लिए वहां से शाह के दरबार से दो चित्रकार लाया था, एक था मीर सैयद अली, दूसरा था ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी। इसके समय दास्तान ए अमीर हमजा, हमजा नामा ग्रंथ की शुरुआत हुई थी। सही है, पुस्तकालयों की सीढ़ी से गिरने के कारण, लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, खत्म। बाद में आता है अकबर। देखो, अकबर 13 वर्ष की आयु में राजगद्दी पे बैठा। ठीक है, 13 वर्ष की आयु में राजगद्दी पे बैठा। 1556 में
ये राजगद्दी पे बैठा था, 13 वर्ष का था उस समय। उसके बाद में पिता का अधूरा रहा ग्रंथ, सबसे पहले पिता का अधूरा रहा ग्रंथ हमजा नामा, जिसको दास्तान ए अमीर हमजा भी कहते हैं, को इसने सर्वप्रथम पूर्ण करवाया। इसके समय में एक सर्वश्रेष्ठ लेखाकार इतिहासकार था जिसका नाम था अबुल फजल, जिसने एक पुस्तक लिखी थी आयन ए अकबरी। अपन ने शायद अकबर इतना पढ़ लिया था ना, आयन ए अकबरी तक पढ़ लिया था। यस सर, पढ़ लिया था आयन ए अकबरी। तो देखो अकबर, अकबर का ही शुरुआत करते हैं क्योंकि अकबर रह गया था थोड़ा सा। देखो अब ध्यान से शुरू करना, अकबर 1556 में 13 वर्ष की उम्र में ये शासक बन गया था, 13 वर्ष की उम्र में ये शासक बन गया था। सबसे पहले ये इसने पिता का अधूरा ग्रंथ दास्तान ए अमीर हमजा को पूर्ण करवाया। सबसे पहले इसने आते ही दास्तान ए अमीर हमजा को पूर्ण करवाया, जिसको हमजा नामा भी कहते हैं, ठीक है। इसके समय में एक इतिहासकार था जिसका नाम था अबुल फजल। ये शॉर्ट पढ़ रहे हैं बिल्कुल, अपन इनके जो नोट्स आएंगे उसमें पूरी डिटेल आएगी। अबुल फजल, अबुल फजल था जिसने एक पुस्तक लिखी थी आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में आइन ए अकबरी में जो अकबर था उसके समय के कहता है, उसके समय की बात बताता है। पहली बात थी इस आइन अकबरी में कि इसने लिखा अबुल फजल ने कि अकबर की बाल्य कला से ही चित्रकला में रुचि थी, अकबर की बाल्य कला से ही चित्रकला में रुचि थी। सही है, हाँ सही है। फिर जैसे अकबर की बाल्य कला से, बाल्य देखो एक बार कई बार अपने क्या है 12th क्लास में 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4 यहां तक के क्वेश्चन आते हैं। कहने का मतलब 1/4 का भी क्वेश्चन आता है, 1/2 का भी आता है, 1 का भी आता है, 2 का भी आता है, 3 का भी आता है, 4 का सर्वश्रेष्ठ आता है क्योंकि 24 नंबर का तो मैटर ही अपने पास में, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो 1/4 वाले में क्या करते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं कैसे कि अकबर की बाल्य कला से ही चित्रकला में रुचि थी, किसने किस पुस्तक में लिखा, तो आपका आएगा अबुल फजल ने आयन ए अकबरी में लिखा। क्वेश्चन पूछ लेता है आयन ए अकबरी किसने लिखी, अबुल फजल ने, अबुल फजल के द्वारा लिखित पुस्तक आयन ए अकबरी। तो यहां तक अपना क्लियर हो जाना चाहिए मैटर, ये यहां तक शायद अपन ने कल भी पढ़ लिया था। इसके बाद में देखो आगे, इसके समय में अकबर के समय में क्या था कि जो भी हिंदी ग्रंथ थे उनको फारसी में अनुवाद करवाया जाता था, उर्दू में फारसी में, और जो फारसी या हिंदी वो उर्दू ग्रंथ थे उनको हिंदी में अनुवाद करवाया जाता था अकबर के द्वारा। तो अकबर ने क्या करा, जैसे महाभारत, इन्होंने देखो राय कृष्ण दास जी थे, राय कृष्ण दास जी ने क्या किया था, जो ये जितने भी इन्होंने हिंदू से मतलब हिंदी से फारसी और फारसी से हिंदी में अनुवाद करवाया था, इनको 4 भागों में बांटा था, तो अपन वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो रजमनामा बनवाया इन्होंने, रजमनामा एक बनवाया इन्होंने, अनवार ए सोहेली, सहेली मत कर देना, रजमनामा अनवार ए सुहेली। ये क्या है, ये तो है महाभारत का फारसी अनुवाद और ये है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद। तो इस प्रकार 2 फारसी अनुवाद अपने सामने आए, वो महाभारत के और पंचतंत्र ग्रंथ के थे। इस प्रकार अकबर अलग अलग राज अलग अलग जो ग्रंथ थे उनको हिंदी में अनुवाद करवाता था और हिंदी वालों को फारसी में अनुवाद करवाता था। एक बात और कि अकबर के समय में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों से संबंधित चित्रकार काम करते थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों से संबंधित जो चित्रकार थे वो काम करते थे। अब देखो इसके समय में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार भी थे, इसके समय में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार भी थे, जिसमें से 2 का तो नाम आपको पता होगा, 2 का क्या कल शायद बता दिया था मैंने ये भी, एक तो था मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुस मद
सिराजी, दसवंत, बसावन, मुकुंद, महेश, खेमकरण, शायद खेमकरण कल नहीं बताया था मैंने, खेमकरण, ये प्रमुख चित्रकार हैं। हालांकि और भी हैं जो नोट्स में लिखेंगे अपन, लेकिन ये जो मुख्य रूप से चित्रकार हैं कौन से, मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी, दसवंत, बसावन, मुकुंद, महेश, खेमकरण, ये ऐसे चित्रकार हैं जो अकबर के समय में श्रेष्ठ चित्रकारी करते थे, जिसमें से मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी जो है ये अकबर काल में थे, लेकिन ये कब के आए हुए थे, ये हुमायूं काल के चित्रकार थे, हुमायूं के समय में ही ये चित्रकार आ गए थे और अकबर को चित्रकारी सिखाते थे, इसलिए अकबर के समय में भी ये चित्रकार यहाँ रहते थे। सही है। देखो इन चित्रकारों के लिए जो अपन ने अभी पढ़ा था आईने अकबरी, किसने लिखी थी बताओ, किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। अरे वाह, अबुल फजल। इसने आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने। इसमें इन चित्रकारों के लिए भी एक लाइन लिखी हुई थी और वो लाइन बार 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 क्वेश्चन रिपीट होता है उस लाइन का, तो इस लाइन को भी आप अच्छे से देखेंगे। इनके लिए कहा था कि अकबर के समय में मुस्लिम चित्रकारों से ज्यादा या ईरानी चित्रकारों से ज्यादा भारतीय चित्रकार चित्रकारी में निपुण, सूक्ष्मदर्शी व भावना प्रण थे। देखो निपुण, निपुण का मतलब क्या होता है? बिल्कुल पूर्णतः, पूर्णतः चित्र बनाने में माहिर, पूर्णतः चित्र बनाने में माहिर, कोई रुकावट नहीं। निपुण, सूक्ष्मदर्शी, छोटे से छोटे, मतलब जैसे अगर चेहरा बनाना है तो चेहरे की एक एक बाल को बनाना हो, ठीक है, मतलब छोटे से छोटे चित्रकारी को भी महत्व देना, तो वो हो गया सूक्ष्मदर्शी। फिर आता है भावना प्रवण, ठीक है, भावना प्रवण का मतलब हो गया जैसे ही आप इन भारतीय चित्रकारों के चित्र को देखोगे तो उसमें भाव का महत्व अधिक होगा, जैसे आपको लगेगा कि वास्तव में चित्रकार क्या कहना चाहता है। जैसे ही आप चित्र को देखेंगे आप समझ जाएंगे कि इस चित्र में अपने को क्या कहने को मिल रहा है या क्या कहना चाहता है। अलग अलग भागों में डिवाइडेशन किया हुआ है इन सबका, जैसे ही अपन देखते हैं तो अपने को तुरंत पता चल जाता है कि इसमें क्या कहना चाह रहा है चित्रकार। तो अबुल फजल ने आईने अकबरी में अकबर के सभी चित्रकारों के लिए कहा था कि ईरानी चित्रकारों के अलावा, ईरानी चित्रकार थी लेकिन ईरानी चित्रकारों के अलावा या ईरानी चित्रकारों से ज्यादा भारतीय चित्रकार चित्रकारी में निपुण, सूक्ष्मदर्शी व भावना प्रवण थे। ये बात याद रखेंगे यहाँ पर। सही है, कोई दिक्कत है क्या या दोबारा बताऊं? इस लाइन में कोई दिक्कत है या दोबारा बताऊं? एक बार और। हाँ देखो अकबर के समय के सारे चित्रकार हैं, इन चित्रकारों के बारे में सभी चित्रकारों के बारे में अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था आईने अकबरी। अबुल फजल ने पुस्तक लिखी थी आईने अकबरी। इस आईने अकबरी में इन सभी चित्रकारों के लिए एक लाइन लिखी हुई है, उन्होंने अपने इतिहासकार था वो भी, तो सभी को देख कर फिर वो लिखता था हर बात, तो उसने एक लाइन लिखी और कहा कि ईरानी चित्रकारों की अपेक्षा, लाइन टू लाइन बोल रहा हूं, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ईरानी चित्रकारों की अपेक्षा भारतीय चित्रकार चित्रकारी में, ईरानी चित्रकारों की अपेक्षा भारतीय चित्रकार चित्रकारी में अधिक निपुण, सूक्ष्मदर्शी व भावना प्रवण थे। कहने का मतलब, निपुण का मतलब हर काम में माहिर, जो आप उनसे चित्र बनवाना चाहो वही चित्र वो आपको बना के देंगे। सूक्ष्मदर्शी, एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को या मानव अंग को वो चित्रकारी में उकेरते थे, सूक्ष्मदर्शी। भावना प्रवण, हर चित्र में ऐसी भावना होती थी जिससे कि आपको उस चित्र को देखने पर लगेगा कि वास्तव में ये चित्र क्या कहना चाह रहा है। अगर कोई चित्र में मान लो कोई, जैसे एक चित्र है सलीम का जन्म, मुगल शैली का चित्र है, तो आपको उसको देखते ही पता चल जाएगा कि सलीम के जन्म में क्या है। जहांगीर का पहले का नाम सलीम था, तो सलीम के जन्म चित्र में, इसको चित्र को आगे पढ़ेंगे अपन, तो
तो इस चित्र में क्या है कि अलग अलग खंडों में विभाजित है, एक में सलीम का जन्म हुआ एक कक्ष में, एक कक्ष में उसको निला रहे हैं, ठीक है, जच्चा और बच्चा दोनों को, एक कक्ष में उसके ससुर जी जो है, ससुर जी कौन हुआ, मतलब जो सलीम के जो पापा हैं वही तो हुए, तो सलीम के पापा कौन थे, अकबर, अकबर साइड में खैरात बांटते हुए दान देते हुए, एक साइड में जंगल में पशुओं को खिलाते हुए, मतलब ऐसे अलग अलग खंडों में एक चित्र बनाया गया है जिसका नाम था सलीम का जन्म, वो आगे पढ़ेंगे अपन। तो ऐसे मुगल शैली का जो भी चित्र देखेंगे आप, और खास तौर पे जिसको हिंदू या भारतीय चित्रकार ने बनाया वो चित्र वास्तव में बहुत अच्छा चित्र है। तो कहने का मतलब निपुण का मतलब माहिर, सूक्ष्मदर्शी का मतलब छोटी से छोटी वस्तु या अंक को बनाना, और भावनापूर्ण मतलब वैसे के वैसे भाव जैसे आप देखोगे उसमें, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये चित्र क्या कहना चाह रहा है। ऐसा इन्होंने कहा था अबुल फजल ने आईएन ए अकबरी में कि भारतीय चित्र ईरानी चित्रकारों की अपेक्षा भारतीय चित्रकार चित्रकारी में अधिक निपुण सूक्ष्मदर्शी व भावना प्रवण थे। सही, शाबाश, समझ में आना चाहिए बस, और कुछ ही नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए। देखो हाँ, फिर आगे अपन चित्रकारों की बात करें तो जो श्रेष्ठ चित्रकार होता था उसको अकबर, कल ही पढ़ा था अपने, अकबर उसको उपाधि भी देते थे। मुझे ऐसा लगा कि कल आपको अकबर अच्छे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने वापस रिपीट किया सारे पूरे अकबर में जो भी पढ़ा अपन। तो क्या था कि जैसे ही अकबर को लगता था, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था, तो उस चित्रशाला में जो भी श्रेष्ठ कार्य करता था तो उसको अकबर क्या करता था, मनब सरदार देता था, मतलब उपाधि देता था। उपाधि कैसे देता था, जैसे नादिर उल हसन, नादिर उल हसन एक, जैसे हुमायूं नसार, नादिर उल हसन विश्व में श्रेष्ठ, हुमायूं नसार राज्य में श्रेष्ठ, ये दो उपाधियां होती थी। नादिर उल हसन विश्व में श्रेष्ठ, हुमायूं नसार राज्य में श्रेष्ठ, तो ऐसे दो उपाधियां भी अकबर अपने चित्रकारों को देता था। सही है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, आ गया होगा समझ में। चलो नो प्रॉब्लम, अंग्रेजों सबके सब अंग्रेजों हैं। हाँ देखो, इसके आगे देखते हैं, मैंने भी बताया था आपको कि रायकृष्ण दास ने चित्र जो हिंदी से फारसी में और फारसी से हिंदी में जो अनुवाद हुआ था उसको रायकृष्ण दास ने चार भागों में विभाजित किया था। चित्रकारी जो भी हुई थी उन्हीं सभी चित्रकारी को रायकृष्ण दास ने चार भागों में विभाजित किया था। देखो पहला था रायकृष्ण दास ने, याद रखना रायकृष्ण दास ने विभाजित किया था, पहला था भारतीय कथाओं के चित्र, दूसरा था अभारतीय कथाओं भारतीय कथाओं के चित्र, तीसरा था ऐतिहासिक कथाओं के चित्र, चौथा था व्यक्तिचित्र सभी है या सामाजिक चित्र या सामाजिक चित्र। देखो विदर, रायकृष्ण दास ने मुगल शैली को पढ़ा और मुगल शैली के समय जो भी चित्रकारी हुई उन सभी चित्रकारी को इसने क्या किया, चार भागों में विभाजित कर दिया, और चार भागों में विभाजित करके कहा कि मुगल शैली के सारे चित्र इसमें समाहित हैं।
मुगल शैली के जो सारे चित्र जितने बने हुए हैं वो सब इसमें समाहित हैं। ठीक है, तो इसने कहा जैसे अभारतीय कथाओं के चित्र बने, तो अभारतीय कथाओं में आ गए जितने भी मुस्लिम धर्म से संबंधित चित्र थे, भारतीय कथाओं में, भारतीय कथाओं में थे जितने भी भारत में हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथ बने हुए थे, हिंदू जैसे रामायण, महाभारत दिख रहा है, पंचतंत्र, ऐसे जितने भी हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, इन सभी ग्रंथों का उन्होंने फारसी में अनुवाद करवाया था और इससे संबंधित चित्र भी मुगल शैली के चित्रकारों ने बनाए। फिर आता है अभारतीय चित्र। अभारतीय चित्रों में क्या था कि जितने भी मुस्लिम धर्म से संबंधित ग्रंथ थे, उनका इन्होंने चित्रांकन करवाया, मुस्लिम धर्म से संबंधित चित्रों का चित्रांकन करवाया। मुस्लिम धर्म से जैसे हमजा नामा था, दास्तान अमीर हमजा, ये मुस्लिम धर्म से संबंधित चित्र था, चित्रित ग्रंथ था। तो ऐसे ग्रंथ भारतीय कथाओं से संबंधित चित्र माने जाते हैं। फिर आता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का मतलब हो गया जैसे बाबरनामा, ये ऐतिहासिक मतलब इतिहास से संबंधित, जिसको इतिहास में याद किया जाता है, जिसको इतिहास में पढ़ा जाता है, वो हो गए ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक चित्र ग्रंथ, चित्रित ग्रंथों में आता है बाबरनामा, हुमायूं नामा, ये शाहनामा, ये भी एक ग्रंथ है शाहनामा। ये जो ग्रंथ है ये ऐतिहासिक ग्रंथों में आते हैं। व्यक्ति चित्र सभी है। देखो बहुत बार 1/4 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, सभी है चित्र किसे कहते हैं, और इसका आंसर होगा व्यक्ति चित्रों को सभी है चित्र कहते हैं। ठीक है, सभी है चित्र किसे कहते हैं, व्यक्ति चित्रों को सभी है चित्र कहते हैं। और सामाजिक धर्म से संबंधित भी चित्र बने, सामाजिक धार्मिक धर्म से संबंधित भी यहाँ पर चित्र बने। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय कथाओं से संबंधित चित्रों का मतलब हो गया जिसमें सिर्फ भारतीय हिंदू धर्म से संबंधित जो ग्रंथ थे या भारतीय हिंदू से संबंधित जो चित्र थे उनका निर्माण किया गया। भारतीय कथाओं से संबंधित हो गया जिसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम जो बाहर के ईरानी जो वो थे ग्रंथ थे उनका, जो हमजानामा जैसे हुमायूं से संबंधित ग्रंथ, ऐसे ग्रंथों का उल्लेख किया गया, उसे भारतीय कथाओं के चित्र कहा गया, भारतीय कथाओं के चित्र। ठीक है, ऐतिहासिक चित्र होता है जिसमें इतिहास से संबंधित जैसे बाबरनामा, शाहनामा, ये जो होते हैं ये ऐतिहासिक चित्र हैं, इनको ऐतिहासिक कथाओं के चित्र हैं, इनको इतिहास में पढ़ा जाता है। व्यक्ति चित्र मतलब सभी चित्र, मतलब राजा महाराजाओं के व्यक्ति चित्र बनाए गए, सामने बिठा के उसका हूबहू वैसा का वैसा चित्र बनाया गया। सामाजिक और धार्मिक कथाओं से संबंधित भी चित्र बनाए गए। कोई दिक्कत है क्या यहाँ, बोलो। नो सर। पक्का? नो सर। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। हाँ नो सर। अच्छा तो आगे शुरू करें या इसको दोबारा बताऊं? सर आगे शुरू करो। हाँ आगे से शुरू करो सर। वेरी गुड, आगे पढ़ते हैं, चलो ठीक है आगे पढ़ते हैं। हाँ इसमें राय कृष्ण दास के अनुसार, यहाँ अकबर की बात कर रहे हैं, पर राय कृष्ण दास के अनुसार ही इसमें कहा गया है। राय कृष्ण दास ने जब ये इनका चार भागों में बांटा गया तो चार भागों में बांट कर इन्होंने कहा कि अकबर के समय में लगभग 20,000 चित्रों का निर्माण हुआ था, 20,000 चित्रों का निर्माण हुआ था अकबर के समय में। ये भी एक मोस्ट बात है कि सबसे ज्यादा चित्र अकबर के समय में चित्र हुए थे, वो भी कम से कम 20,000 चित्र, इतनों की तो गिनती हो चुकी थी। ठीक है, अपने पास में 10 मिनट है, जो समझ में नहीं आया उसको तुरंत दोबारा पूछ लेना, रेगुलर पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा, कम से कम इसको तो पूरा करें अकबर को तो। ठीक है, हाँ इसके बाद में आता है अकबर का, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, अपन ने चित्रकार पढ़ लिए, इसके चित्रों
के बारे में पढ़ लिया भाई, कौन कौन से चित्र बने, कौन कौन से ग्रंथों का अनुवाद हुआ, कौन से हिंदू थे, कौन से मुस्लिम ग्रंथ थे, कौन से ऐतिहासिक ग्रंथ थे, कौन से व्यक्ति चित्र थे, इन सब के बारे में अपन ने पढ़ा है। इन चार भागों को डिवाइड करके पढ़ लिया, ये चार भाग राय कृष्ण दास जी ने हमें बता दिए थे और अपन ने इसको पढ़ लिया है। अब देखते हैं अकबर के समय में रंग, अकबर के समय में सबसे ज्यादा कौन से रंगों का प्रयोग किया, अकबर के समय में सबसे ज्यादा रंग प्रयोग किया था केसरिया, पीला, नीला। केसरिया जैसे नारंगी, नीला, पीला और हरा, इन रंगों का सबसे ज्यादा अकबर के समय में प्रयोग किया गया था। एक रंग और था जिसका नाम था गुलाबी। अत्यधिक मात्रा में इन रंगों का प्रयोग हुआ था पांच का, इन पांच रंगों का, नारंगी, नीला, पीला और गुलाबी, इन रंगों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ था अकबर के समय में, ठीक है। और इसके समय में तुलिका कहा जाता था, तुलिका किसको कहा जाता था, ब्रश, तुलिका का मतलब होता है ब्रश, तुलिका, तो ब्रश को कहा जाता था कलम। देखो अपन साधारण भाषा में तुलिका बोलते हैं ब्रश को, ठीक है, ये एक ही बात है। और इनको मुगल शैली में कलम कहा जाता था, और जो भी ब्रश का प्रयोग करता था चित्रकार उसको कहा जाता था कलम करतार, सही है, कलम करतार कहा जाता था। कोई दिक्कत है यहां तक? नो प्रॉब्लम, किसी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। देखो सियालकोट पंजाब में मुगल शासकों के समय, मुगल शासक अकबर के समय सियालकोट पंजाब के अंदर एक कागज का कारखाना स्थापित किया गया, जिसमें जो कागज बनते थे उसे सियालकोटी कागज या मुगलिया कागज कहा जाता था। एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसको याद रखना, सियालकोटी कागज या मुगलिया कागज। कोई दिक्कत? सही है ना। देखो इसके समय के अपन ने चित्रकार पढ़े थे, मीर सैयद अली पढ़ा था, ये हुमायूं के साथ भारत में आया था, ये ईरानी चित्रकार था, इसने हमजा नामा के चित्र बनाए थे, ये लौकिक व दैनिक जीवन से संबंधित चित्र बनाता था, इसने लैला मजनू और मजनू का जन्म ऐसे कुछ चित्र इन्होंने बनाए थे। इसके अलावा ख्वाजा अब्दुल समद पढ़ा अपन ने, ये भी हुमायूं के साथ भारत आया था, ये ईरानी शैली का चित्रकार था, इसको सिरी कलम की उपाधि दी गई थी इसलिए इसको ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी कहा जाता था। सही है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। इसके अलावा इसमें दसवंत चित्रकार था, ये हिंदू चित्रकार था, ये सेवक था और इसको रजम नामक के चित्र बनाने का मौका मिला था, मतलब ये रजम नामक के चित्र किसने बनाए थे, दसवंत ने, सही है, और ये दैनिक जीवन से संबंधित चित्र बनाता था। कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। फिर आता है बसावन हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकार था, इसने 100 से अधिक चित्र बनाए थे। ये अबुल फजल ने इसके लिए कहा था कि जितने भी हिंदू चित्रकार थे उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्रकार यही है। आईने अकबरी जो अपन ने पढ़ा था उसमें इसका भी जिक्र है कि जो अबुल फजल था ये एक मुगल शासक अकबर के समय में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। कौन? बसावन। ये हिंदू चित्रकार था, इसने 100 से अधिक चित्र बनवाए थे। यहां तक कोई किसी को समस्या है क्या? इसको मिटा दूं, किसी कोई समस्या नहीं है? यस सर, मिटा दो। ठीक है, यहां तक कोई किसी की समस्या? अकबर अपना कंप्लीट हो चुका है, अकबर तक अपन ने पढ़ लिया है। देखो अकबरनामा, दरबारनामा, इसके चित्र बनाए थे किसने? बसावन ने। अकबरनामा, दरबारनामा, इनके। देखो अब जहांगीर के बारे में अपन पढ़ते हैं। जहांगीर अकबर का पुत्र था जिसका नाम था सलीम। सोलह सौ पांच में जहांगीर आया, ठीक है। देखो जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्णकाल था। देखो अकबर ने 20,000 से अधिक चित्र बनवाए थे,
ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसका काल समाप्त हुआ, जहांगीर आया, तो जहांगीर के काल में चित्रकला में और अधिक लोगों में रुचि उत्पन्न हुई, और इसके समय में बहुत अच्छे अच्छे चित्रकार, जैसे एक चित्रकार था जिसका नाम था मंसूर, उस्ताद मंसूर, इस समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था, जिसने टर्की कोक और बाज का चित्र बनाया था, टर्की कोक और बाज का चित्र बनाया था, जो विश्व में प्रसिद्ध हुए थे और आज भी इनको जाना जाता है। अपने ड्राइंग विषय में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है 1/2 कि टर्की कोक का चित्र किसने बनाया था या बाज का चित्र किसने बनाया था, वो आता है उस्ताद मंसूर, ये इसके समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार। तो कहने का मतलब जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है, और ये जो उस्ताद मंसूर था ये पशु पक्षी के चित्र बनाने में माहिर था, पशु पक्षियों के चित्र बनाने में माहिर था, इसलिए इसको उस्ताद कहा जाता था। सही है, ये जहांगीर के प्रमुख विषयों में, देखो जहांगीर की बात करते हैं, 1605 ईस्वी में इसने अकबर की मृत्यु के पश्चात शासन संभाला। इसके समय में जो और मुगल शैली के चित्रकार, सॉरी शासक थे, उनसे ज्यादा ये कला के प्रति संवेदनशील था, विद्वान था, क्योंकि इसको खुद भी कला आती थी, इसको खुद को चित्रकारी आती थी, इसलिए कला प्रेमी शासक था और उपासक भी था। जहांगीर काल में कुछ वर्षों तक, जहांगीर जैसे जहांगीर का काल शुरू हुआ उसके कुछ दिनों तक अकबर की शैली का अनुसरण होता रहा था। मतलब जैसे अकबर के काल में चित्र बने थे, वैसे ही चित्र इसके काल में भी बनते रहे थे, लेकिन धीरे 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 इसका परिवर्तन होता गया और जहांगीर ने एक अपनी एक नई शैली का निर्माण किया, जिसे जहांगीर शैली के नाम से भी जाना जाता है, जहांगीर शैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको अपन कल पढ़ेंगे क्योंकि अभी 2 मिनट बचे हैं अपने पास में। 2 मिनट में अपन ये रिव्यू लेंगे कि आप लोगों को किस किस को समझ में आ रहा है, किस किस को नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ लग रहा है, जैसे मान लो समझ में नहीं आ रहा हो कोई मैटर, क्योंकि अपन जहांगीर अभी तो कर नहीं पाएंगे, 2 मिनट बचे हैं, कल इसको शुरू करेंगे पूरा, और पूरा कल जहांगीर कंप्लीट कर लेंगे। आप एक एक बताएंगे क्या किसी कोई समस्या है, बोलेंगे, ये कौन है, आशा बोलो। नो सर, कोई समस्या नहीं है, सारा समझ में आ रहा है जो अब तक पढ़ाया अपन ने। यस सर। ये कौन है, मोनिका। सब समझ में yes, आ रहा है? Yes, sir. और बाकी बोल दो जितने बच्चे हैं सब, अदिति, किरण, समझ में आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है? चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, सबको समझ में आ रहा है इसका मतलब। लेकिन फिर अपने पास में स्टूडेंट जुड़ नहीं रहे, समझ में आ रहा है, हाँ, तो अपने पास बच्चे जुड़ नहीं रहे, अभी भी 5-10 बच्चे ही जुड़े हुए हैं, क्या चक्कर है ऐसा? आप लोग सबको बोल रहे हो क्या, सबको बोलो, रेगुलर बोलो कि क्लास में रहें, सब क्लास अटेंड करें, क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है ये? ठीक है ना, सबको आप बोलेंगे, सब जो भी आपके क्लासमेट है उनको क्लास रेगुलर अटेंड करेंगे, सब क्लास अटेंड करेंगे, क्योंकि जो अपन क्लास स्टार्ट की है तो अपन इसको पढ़े तो सही, पढ़ ही नहीं पा रहे क्योंकि जुड़ ही नहीं रहे। ठीक है ना, तो कल से सबको एक बार, आप लोग जितने भी आपके क्लासमेट है आपके पास संपर्क में हैं वो, तो आप उनको जरूर बोलेंगे रोज क्लास अटेंड करें, बहुत बहुत कम मैटर पढ़ाते हैं अपन, वैसे भी शॉर्ट में पढ़ाते हैं, सब कुछ शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मेरे हिसाब से तो आपको इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आपने ढंग से सुन लिया होगा तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा अब तक। ठीक है ना, तो आप सबको बोलेंगे क्लास में अटेंड करें, क्लास अटेंड करें, जुड़ें सब, सही है।